तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एरोस्पेस इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में क्या डिफरेंस है, क्या इसमें सिमिलरिटीज है और क्या डिफरेंस है, और साथ में ये भी बात करेंगे कि किसमें जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है किसमें ज्यादा है। मैं अपने भी एक्सपीरियंस दूंगा। एक चीज और हम बात करने वाले हैं कि एरोस्पेस इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो डिफरेंस है वो इंडिया में किस लेवल पर है। एरोस्पेस इंजीनियरिंग अगर आप करते हो अमेरिका से, जो हाई पैकेज वाली जो जॉब्स हैं वो पाने का चांस आपको बहुत ज्यादा है कंपेयर टू अगर आप एरोस्पेस इंजीनियरिंग करते हो पाकिस्तान में। इस वीडियो को मैं कई पार्ट में करते हुए आपको मैं चैप्टर बना दूंगा, आपको वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप वहां से डायरेक्ट जो है वो वीडियो में नेविगेट कर सकते हैं। सबसे पहले एक एरोस्पेस इंजीनियरिंग क्या होती है, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूं तो मैं इस वीडियो को ज्यादा लेंथी नहीं कर रहा। उस वीडियो की जो लिंक है वो इस वीडियो के आई कार्ड बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो थोड़ा सा बता देता हूँ कि एरोस्पेस इंजीनियरिंग क्या होती है। एरोस्पेस इंजीनियरिंग में ऐसी चीजों की आप ऊपर स्टडी करते हो जो कि या तो फ्लाई करती हो या अर्थ को ऑर्बिट करती हो, तो ये सारी चीजों की जो इंजीनियरिंग होती है उसे हम एरोस्पेस इंजीनियरिंग कहते हैं। तो मैकेनिकल इंजीनियर ऐसे मशीन्स के बारे में पढ़ते हैं या फिर ऐसे डिवाइस को बारे में पढ़ते हैं और क्रिएट करते हैं, डिजाइन करते हैं, जो कि या तो किसी के घर में यूज हो रहा हो या फिर किसी बिजनेस में या फिर कहीं आउटडोर में कहीं पर भी यूज हो रहा हो, तो ऐसी चीजों के बारे में जो पढ़ते हैं वो मैकेनिकल इंजीनियर होते हैं। तो एरोस्पेस इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में क्या सिमिलरिटीज है तो वो देखते हैं। तो देखिए, दोनों जो है वो इंजीनियरिंग ही है, तो यानी जो काम करने का जो तरीका होता है, जो भी अप्रोच होते हैं, वो एरोस्पेस इंजीनियर और मैकेनिकल इंजीनियर सेम तरह से फॉलो करते हैं। यानी अगर कुछ प्रोडक्ट बनाना है, कुछ नया क्रिएट करना है, तो उसके बारे में कुछ पढ़ेंगे, उसकी रिसर्च करेंगे और एक डिजाइन बनाएंगे, फिर उस डिजाइन से एक प्रोटोटाइप बनाएंगे, फिर उस प्रोटोटाइप पे टेस्टिंग होगी और फिर जो है एक फाइनल जो प्रोडक्ट है या फिर जो भी कुछ मशीन है वो बनेगी। तो ये जो मेथड होता है ये ऑलमोस्ट सेम होता है, एरोस्पेस इंजीनियर और मैकेनिकल इंजीनियर दोनों सेम करते हैं। तो अब देखते हैं कि एक एरोस्पेस इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में क्या डिफरेंस होता है। इसको मैं एक तरह से डिवाइड कर रहा हूं, जैसे कि एरोस्पेस इंजीनियर और मैकेनिकल इंजीनियर की ड्यूटीज क्या क्या होती है, वो कौन कौन से वर्क करते हैं, और दूसरे नंबर पे है एजुकेशन, दोनों के एजुकेशन में क्या डिफरेंस होता है, और तीसरे नंबर पे है एरोस्पेस और मैकेनिकल इंजीनियर में जॉब्स कैसी होती है और उनकी सैलरी क्या होती है। एक एरोस्पेस इंजीनियर बेसिकली तीन टाइप की ड्यूटीज कर सकता है, पहला है टेस्टिंग, दूसरा है रिसर्च और तीसरे नंबर पे है मैन्युफैक्चरिंग। तो ये बेसिकली आप तीन में कर सकते हो। अब ये किसी भी चीज में करो, यानी मिसाइल में करो या फिर रॉकेट में करो या फिर एयरक्राफ्ट में करो, आप कहीं पर भी कर सकते हो, लेकिन ये तीनों चीज जो है ये हर जगह होगी और आप किसी एक फील्ड में काम करोगे, यानी किसी एक प्रोजेक्ट पे अगर आप काम कर रहे हो तो इसमें से एक किसी एक पे काम करोगे। तो पहला हो सकता है कि आप किसी भी एरोस्पेस या किसी प्रोडक्ट पे वर्क कर सकते हो, उसके रिसर्च फील्ड पे वर्क कर सकते हो, वहां पे आप नई चीजों को डिजाइन कर सकते हो। तो आप ऐसे भी वर्क कर सकते हो कि जो एयरक्राफ्ट के ऊपर जो टेस्टिंग होती है, रिसर्च फील्ड में भी जो टेस्टिंग होती है, आप उसके ऊपर वर्क कर सकते हो कि अगर हम इस तरीके से अगर हम टेस्ट करें तो जो रिजल्ट है वो काफी जल्दी आ जाएगा और साथ ही साथ जो कॉस्ट है उसके ऊपर वो भी काफी कम आएगा। तो ये भी यहाँ पर भी ऐसे वर्क होते हैं। और आप किसी भी प्रोटोटाइप के ऊपर उसके लोड के ऊपर टेस्ट कर सकते हो कि किस पॉइंट पे ये फेलियर होगा। तो बेसिकली ये स्ट्रक्चरल डिजाइन के अंदर आ जाता है। एरोस्पेस में ऐसे भी वर्क्स होते हैं जैसे कि सेफ्टी जो मेजर है वो अचीव कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, आप वैसे जो टेस्टिंग होती है ये सारी चीजों को ध्यान में रखने के लिए, जैसे कि एक एरोप्लेन है वो सेफ है कि नहीं है, जो पैरामीटर्स जो प्रोवाइड किए गए हैं वो उस पैरामीटर्स पे उतर रही है कि नहीं उतर रही है, और साथ ही साथ जो पुरानी प्लेन है वो अभी भी जो फ्लाई कर रही है वो भी अभी भी मेंटेन है या नहीं है, वो अभी भी यूज की जा सकती है कि नहीं की जा सकती है, ये सारी जो इंस्पेक्शन वाली जो वर्क होते हैं ये भी आप कर सकते हो। और जो एक तरीका जो वो है जो मेरा फेवरेट है, जैसे कि आप कोई भी मैथमेटिकल मॉडल आप बनाते हो और उसके ऊपर जो है और टेस्टिंग करते हो, जैसे एक सॉफ्टवेयर होता है एनसिस, आप कोई भी मॉडल बना के एनसिस में उसमें डाल के टेस्ट करते हो कि ये वर्क करेगी कि नहीं करेगी और कब ये फेल होगी, ये स्ट्रक्चर कब फेल होगा, तो ये सारी चीज भी आप एक मैथमेटिकली आप उसको टेस्ट कर सकते हो। जैसे एनसिस होता है कैड में आप बना के एनसिस में डाल के वहाँ टेस्टिंग करते हो। तो एक मैकेनिकल इंजीनियर की क्या क्या ड्यूटीज होती है, तो एक मैकेनिकल इंजीनियर जो होता है वो प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट जो भी कुछ होता है वो उसको फिलफिल करता है, और किसी भी मैकेनिकल कंपोनेंट या फिर डिवाइस या फिर इंजन के परफॉर्मेंस कैसे इंक्रीज करती है वो भी उसमें मैकेनिकल इंजीनियर जो है वो भी उसको देखता है। और ऐसे भी जॉब्स होते हैं मैकेनिकल इंजीनियर के लिए, क्लाइंट जो है एक बजट प्रोवाइड किया है आपको और जो भी कुछ फीचर्स मांगा है वो सारे आप उसमें फुलफिल कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, यानी एक मैनेज वाला वर्क भी होता है, और मेंटेन भी करना और मॉडिफाई भी करना किसी भी एक डिवाइस को ताकि वो सेफ बना रहे और वो लॉन्ग लास्टिंग हो, तो ये सारे जो वर्क होते हैं ये भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आते हैं। और 3D में मॉडल बनाना, यानी जैसे कि कैड हो गया और कैटिया हो गया, इन सबों का यूज करके जो है
3D मॉडल बनाना ये भी एक इंजीनियरिंग के टास्क में ही आता है, यानी आप प्रोडक्ट बनाने से पहले उसका एक 3D मॉडल बनाते हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का वर्क होता है। और भी बहुत सारे वर्क्स होते हैं मैकेनिकल इंजीनियर्स में, जैसे टेस्टिंग हो गया, रीटेस्टिंग होता है, दोबारा फिर टेस्टिंग होती है और मॉडिफाई किया जाता है प्रोडक्ट्स को, तो ये सारे जो वर्क्स होते हैं ये भी मैकेनिकल इंजीनियर्स में आते हैं। अब बात करते हैं एजुकेशन के बारे में, तो एक एरोस्पेस इंजीनियर और एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में क्या डिफरेंस होता है ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन, और इंडिया में क्या रियलिटी है, डिफरेंस क्या है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो देखिए, आप एरोस्पेस इंजीनियरिंग करें या मैकेनिकल इंजीनियरिंग करें, अगर आप एक अच्छे कॉलेज से करते हो तो वो वाकई वो काफी मतलब बेटर है, या फिर अगर आप IIT से करते हो तो वो मच बेटर है। तो अगर आपको एक मैकेनिकल इंजीनियर बनना है या फिर अगर आपको एक एरोस्पेस इंजीनियर बनना है तो आपको बैचलर डिग्री करनी पड़ेगी, दोनों चार चार साल की ही होती हैं, उसमें वो बिल्कुल सेम है। और डिफरेंस क्या है कि जो वर्क होते हैं आप जब एरोस्पेस में वर्क करते हो और जो मैकेनिकल में वर्क करते हो वो डिफरेंस होते हैं, दोनों का जो फर्स्ट साल होता है वो तो सेम होता है, जो सेकेंड साल जो होता है वहां से जो है थोड़ा सा डाइवर्ट होने लगती है चीजें, वैसे बेसिक जो चीज होती है वो तो सेम होती है लेकिन थोड़ी थोड़ी जो चीजें हैं वो डिफरेंस होती जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप एरोस्पेस लेते हो तो आगे चल के एक एयरक्राफ्ट के बारे में पढ़ना है, तो वो आप वही चीजें पढ़ोगे जो कि एयरक्राफ्ट को बनाने में या फिर मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको यूज करना होगा। एरोस्पेस में भी आप हायर स्टडी कर सकते हो और मैकेनिकल में भी हायर स्टडी कर सकते हो, लेकिन अगर मैं रियलिटी बताऊं तो एक एरोस्पेस इंजीनियर को हायर स्टडी एमटेक करना जो है वो ज्यादा जरूरी है अगर आप सेम फील्ड में अपने कोर फील्ड में अगर आप जॉब पाना चाहते हो, बट मैकेनिकल में सिर्फ बीटेक करके भी आप अच्छे जॉब पा सकते हो। अब एक बात और मैं आपको बताऊं कि जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है वो काफी टाइम से चली आ रही है, तो जो सिलेबस जो है वो काफी ज्यादा एक परफेक्ट बन चुका है, यानी उसमें अब बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आते हैं, वो थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं। लेकिन दूसरे हाथ में अगर एरोस्पेस इंजीनियरिंग की बात करें तो एरोस्पेस इंजीनियरिंग में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, यहाँ तक कि जब मैं फर्स्ट ईयर में था और जब मैं सेकेंड ईयर में गया तो फर्स्ट ईयर वाला कुछ ज्यादा ही चेंज मुझे मतलब जब मैंने सिलेबस देखा तो काफी ज्यादा चेंज था, और फिर जब मैं थर्ड ईयर में आया तो सेकेंड ईयर भी चेंज था और फर्स्ट ईयर दोनों भी चेंज था। तो इस तरह जो है वो काफी ज्यादा चेंज हो रहा है, क्योंकि एरोस्पेस इंजीनियरिंग जो है वो काफी नई है, तो जो सिलेबस है वो काफी तेजी से चेंज हो रहे हैं। तो अब बात करते हैं जॉब्स के बारे में, तो अगर आप एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेते हो तो जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है वो बहुत ज्यादा है, और अगर आप एक एरोस्पेस इंजीनियरिंग लेते हो तो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं लेकिन उसके लिए आपको एमटेक करना पड़ेगा। और अगर स्ट्रेंथ की बात करें जितने मैकेनिकल स्टूडेंट है उसके हिसाब से तो जॉब अपॉर्चुनिटीज सही है, और एरोस्पेस में भी जॉब अपॉर्चुनिटीज सही है लेकिन आपको हायर स्टडी करनी पड़ेगी और साथ ही साथ जो लेवल जो चाहिए कंपनीज को वो आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा, तो थोड़ा टफ है एरोस्पेस में पर्टिकुलर फील्ड में जॉब लेना। लेकिन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में थोड़ा इजी है क्योंकि इसमें काफी वैरायटीज के जॉब मिल जाते हैं। एरोस्पेस इंजीनियर के लिए जो जॉब है वो थोड़े कम होते हैं क्योंकि वो आप हर फील्ड में वर्क नहीं कर सकते, आपको स्पेसिफाइड जो फील्ड है आप उसी में वर्क कर सकते हो। और दूसरी साइड जो मैकेनिकल इंजीनियर है वो काफी ज्यादा उनके पास अपॉर्चुनिटीज होती हैं और बहुत सारे जॉब्स होते हैं जिसमें वो चूज कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं इसकी सैलरी की, तो सैलरी जो है एक एरोस्पेस इंजीनियर की ज्यादा होती है कंपेयर टू मैकेनिकल इंजीनियर की, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपके पास कैसे नॉलेज है, आपके पास एक्सपीरियंस क्या है और आप कौन कौन से कंपनी में या फिर कौन से फील्ड में आप काम कर रहे हो, ये सब चीज के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि अगर वैसे देखें एरोस्पेस फील्ड में अगर आप जॉब सेलेक्ट करते हो तो आप काफी ज्यादा हायर स्टडी कर चुके हो, आप काफी ज्यादा रिसर्च के ऊपर वर्क कर चुके होते हो, तो इसलिए जो है ऑलरेडी अगर आपको हायर ही मिलेगा क्योंकि आपने इतना ज्यादा स्टडी किया है। और दूसरी बात में जो मैकेनिकल है उनको काफी मतलब जल्दी जॉब मिल जाता है जो कि एरोस्पेस में काफी टाइम लगता है, इसलिए जो मैकेनिकल इंजीनियर की जो सैलरी होती है वो धीरे धीरे इंक्रीज करती है जैसे जैसे ड्यूरेशन बढ़ेगा, जितने साल वर्क करोगे या फिर उस कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनी पकड़ोगे तो थोड़ा सा और पैकेज बढ़ जाएगा, फिर दो साल वर्क करके फिर दूसरी कंपनी पकड़ोगे तो और बढ़ जाएगा। ये सारी चीजों पर डिपेंड करता है आपकी सैलरी कितनी होगी और कैसी होगी। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप एक एरोस्पेस इंजीनियरिंग में स्टडी कर रहे हो और एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्टडी कर रहे हो तो दोनों जो है आपको सिर्फ उसी फील्ड में जॉब करनी है, ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत लोग जो है वो फर्स्ट ईयर के बाद जब वो क्या करते हैं कि कंप्यूटर साइंस पढ़ने लगते हैं और जो कंप्यूटर साइंस की जो प्लेसमेंट होती है कॉलेज में वहां पे वो बैठ जाते हैं और उनको जॉब लग जाती है। तो आप ऐसे कर सकते हो, यानी फर्स्ट ईयर में आप धीरे धीरे जो है ये इंटरेस्ट आपका मे बी चेंज हो सकता है। इस टाइम में सीन ये है कि आप किसी भी फील्ड में पढ़े रहो, आपको नॉलेज किसमें ज्यादा है आप उसमें जॉब ले सकते हो। लेकिन एक प्रॉब्लम आ जाती है वो है कॉलेज वालों में कि अगर मान लीजिए चार कंपनी आई हैं और मैकेनिकल में 400 बच्चे हैं तो वो 400 बच्चों को ही पहले बैठाएंगे, वो अगर आप किसी कंप्यूटर साइंस से या एरोस्पेस से हैं आपको उस प्लेसमेंट ड्राइव में जो है वो नहीं बैठाएंगे, क्योंकि उनकी प्रायोरिटी यही होगी कि जो 400 बच्चे जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं
उन्हीं को उसमें डाला जाए। इसी तरह अगर एरोस्पेस की बात करें, अगर एरोस्पेस की कोई कंपनी आती है, जो कि बीटेक में ज्यादा कंपनियां नहीं आती हैं, जो स्टार्टअप्स हैं वही आते हैं, तो जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स हैं वो एरोस्पेस में प्लेसमेंट के लिए नहीं बैठ पाते हैं, क्योंकि वैसे भी एयरोस्पेस में स्टूडेंट ज्यादा होते हैं तो फिर मैकेनिकल वालों को चांस नहीं मिलता है। लेकिन अगर दोनों की बात करें तो सीएस में जो है चांस ज्यादा होता है, आपको जो प्रोग्रामिंग जो होती है उसमें आप जाके जॉब ले सकते हो, 10 मार्क्स 15-20 जो भी कुछ मिले। तो अब मैं बताता हूँ अपने व्यू पॉइंट्स के बारे में कि आपको एक एयरोस्पेस इंजीनियरिंग चूज करनी चाहिए या फिर एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग चूज करनी चाहिए। तो देखिए सीन ये है कि सबका इंटरेस्ट अलग अलग होता है। अगर आपको एक पर्टिकुलरली इंटरेस्ट है एयरोस्पेस के चीजों में, एयरोस्पेस फील्ड में, तो आप एयरोस्पेस इंजीनियरिंग चूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको जल्दी से जॉब चाहिए, यानी आप बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं पढ़ सकते, आप वेट नहीं कर सकते, सीन होता है किसी की फैमिली में थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम होते हैं, आपको सिंगल अगर आप अर्निंग के अगर फादर अर्न कर रहे हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम होती है, आपको फिर ये होता है कि आप स्टार्टिंग में अगर फर्स्ट ईयर अगर आप जा रहे हैं तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन फोर्थ ईयर के बाद आपको जॉब की डिमांड घर वाले करने लगते हैं कि आप जल्दी जॉब करिए फिर आपकी शादी करें। तो इसलिए अगर आप ये सब प्रॉब्लम है आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग चूज कर सकते हो। लेकिन ये सब अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है कि आपको बहुत जल्दी जॉब अर्निंग स्टार्ट करनी है और आपको थोड़ा वेट कर सकते हो, आप और हायर स्टडी कर सकते हो, तो आई थिंक आपको एरोस्पेस इंजीनियरिंग के साथ ही जाना चाहिए। तो टोटली डिपेंड है आपके इंटरेस्ट के ऊपर। एक और कंडीशन है कि अगर आप लोन लेके पढ़ रहे हो तो आपको कौन सी इंजीनियरिंग करनी चाहिए। तो आई थिंक अगर आप एक लोन लेके कर रहे हो तो आप एरोस्पेस इंजीनियरिंग के बारे में आप थोड़ा न सोचे तो ज्यादा बेटर होगा। आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जा सकते हैं क्योंकि एट लास्ट जो है आपको वो लोन भरने होते हैं और ज्यादा टाइम तक आप वेट नहीं कर सकते। तो मेरे ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनको ये सीन आ रहा है और फोर्थ ईयर के बाद बस वो ये सोच रहे हैं कि कैसे जो है मैं कोई भी जॉब पा जाऊं और जो लोन है वो ज्यादा और बढ़े ना और मैं उसको भर सकूं। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं आप लोग फेस करते हैं, तो आप ये चूज कर सकते हो। लेकिन एक बात मैं और बता दूं कि अगर आप फिर भी अभी भी कंफ्यूज हो कि आपको एक एरोस्पेस इंजीनियरिंग चूज करें या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग चूज करें, क्योंकि मैकेनिक आपको एरोस्पेस इंजीनियरिंग काफी ज्यादा इंटरेस्टेड लग रही है बट दूसरी हाथ में मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है वो ज्यादा गारंटी देती है जॉब के लिए कंपेयर टू एरोस्पेस इंजीनियरिंग, तो आई थिंक आप फर्स्ट ईयर जो है वो एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पढ़ सकते हो। किसी भी आप कॉलेज में हो आप वहां पर एक बार बात कर लीजिए, आप फर्स्ट ईयर जो है एक एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पढ़ लीजिए और सेकेंड ईयर से जो है अगर आपको एरोस्पेस इंजीनियरिंग पसंद नहीं आती है या फिर आपको ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगती है तो आप जो है फिर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर जो है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग आप फिर कर सकते हो, क्योंकि फर्स्ट ईयर जो होता है सभी का सेम होता है। अगर आप वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ऐसी और वीडियोज के लिए, और इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे या फ्रेंड सर्कल में। अगर कोई कंफ्यूज है एरोस्पेस और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तो इस वीडियो से आई थिंक बहुत ज्यादा क्लियर हो सकता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।